बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बारकली और आप देख रहे हैं टूर एंड टेस्ट। उम्मीद करता हूं अल्लाह के करम और फजल के साथ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब की दीनी दुनिया मुश्किल जो है आसान फरमाए और सेहत तो तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी जो है अता फरमाए। तो टूर एंड टेस्ट में आज हम आप लोगों के लिए लेके एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, और आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल शनवारी चिकन कढ़ाई, जो कि बहुत ही मज़े की तैयार होती है, खाने में बहुत लजीज है। आप अक्सर जो है वो जाकर रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं, तो घर में बनाना भी बहुत ही आसान है। आइए आपको बताते हैं कि घर में शनवारी कढ़ाई जो किस तरह तैयार होगी और उसके लिए हमें किन किन अज़ा की ज़रूरत है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो लें जी, शनवारी चिकन कढ़ाई के लिए चीज़ें हम इकट्ठी करके ले आए हैं, चूल्हे में जलाते हैं आग और कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं। चूल्हे में आग जलाने के बाद कढ़ाई को रख लेंगे चूल्हे पे। कढ़ाई में डाल लेंगे ऑयल। कढ़ाई में ऑयल डालने के बाद साथ ही हम कढ़ाई में डाल लेंगे चिकन। बिस्मिल्लाह। चिकन के हमने बड़े बड़े पीस लिए हैं। चिकन को हल्का सा ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। चिकन के साथ कढ़ाई में डालेंगे नमक। चिकन को कढ़ाई में एहतियात के साथ हलाएंगे ताकि चिकन हमारा जो है वो टूटे ना। अगर चिकन टूट जाए तो कढ़ाई की जो लुक है वो ख़त्म हो जाती है, इसलिए एहतियात के साथ आराम के साथ इसे हलाएंगे। चिकन हमारा ब्राउन होना शुरू हो गया।
चिकन को ब्राउन होने तक हमने फ्राई कर लिया। चिकन में से इजाफी ऑयल हम निकाल लेंगे। ऑयल निकालने के बाद चिकन के साथ कढ़ाई में डाल लेंगे टमाटर। टमाटर शामिल करने के बाद एक दफ़ा मिक्स कर लिए। अभी हम शामिल कर लेंगे कुटा हुआ अदरक और लहसुन। कढ़ाई को ऊपर से डाल देंगे और तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए ढाँप के पकाएंगे ताकि टमाटर हमारे जो वो अच्छी तरह नरम हो जाएं। चिकन को 5 से 7 मिनट के लिए ढाम के पका लें। टमाटर ने पानी भी छोड़ दिया है और टमाटर हमारा नरम हो चुका है। एक तो टमाटर को मैश कर लेंगे, दूसरा इसमें से छिलके जो है टमाटर के वो भी निकाल लेंगे। चेक करें, माशाल्लाह ज़बरदस्त है, हमारी सुनहरी कढ़ाई पे कलर आ रहा है। टमाटर को मैश करने के बाद अभी हम कढ़ाई में डाल लेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च शामिल करने के बाद फिर से मिक्स करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है हमारी शनवारी कढ़ाई जो तैयार हो रही है। बस इसमें एहतियात ये होती है कि चिकन को जो है ज़्यादा साइडें पलट के हिलाना नहीं होता ताकि चिकन हमारा जो है टूटे ना। सबसे एंड पे कढ़ाई में हम डालेंगे काली मिर्च। काली मिर्च हम थोड़ी मोटी मोटी इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल बारीक पाउडर इस्तेमाल नहीं कर रहे, ना ही ज़्यादा मोटी है। काली मिर्च शामिल करने के बाद एक दफ़ा फिर से मिक्स करेंगे। रेस्टोरेंट स्टाइल शनवारी चिकन कढ़ाई हमारी ज़बरदस्त तैयार हो गई है। अभी हम कढ़ाई को चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। और थोड़ी सी डाल लेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आप भी हमारे तरीके को फॉलो करते हुए इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई और इसका जायका कैसा रहा।
माशाल्लाह चेक करें किस कदर ज़बरदस्त है हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल शनवारी चिकन कढ़ाई जो है वो तैयार हुई है। चिकन अंदर तक सॉफ्ट, बहुत ही नरम सा, जूसी सा। अभी हम आपको रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन शनवारी कढ़ाई जो है वो टेस्ट करके बताते हैं। बिस्मिल्लाह। हाँ जी अब जी, रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन शनवारी कढ़ाई कैसी तैयार हुई? माशाल्लाह बहुत ही मज़े की। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको हमारी आज की वीडियो जो कैसी लगी आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो जो पसंद आई तो उसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त अहबाब के साथ। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुँच जाए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, सदा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।